नदी किनारे बहुत से मछुआरे रहते थे और मछलियां पकड़ मच्छी बाजार में बेच दिया करते थे। सदक के पिता उसे मछलियां पकड़ने के लिए हमेशा कहते, पर वह पकाना और खाना ही पसंद करता। उसे तली हुई मछली खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सदक के पिता ने कहा, देखो बेटा, हम मछुआरे हैं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तुम जाकर मछलियाँ पकड़ो, यूं बस पकाने और खाने का शौक ही अच्छा नहीं है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं समय आने पर सब संभाल लूँगा, पर अभी मुझे मच्छी खाने दो। सदक के पिता की बात का उसके ऊपर कोई असर ना हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोच लिया और नदी पे जाना छोड़ दिया। पिताजी, आज आप मच्छी पकड़ने नहीं गए? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। ले बेटा, खाना खा ले। ये क्या माँ, सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खा लो, मैं अपने लिए मच्छी पका लूंगा। बेटा, आज मच्छी नहीं है, अब से यही खाना होगा। क्या, ये सब्जी? मैं नहीं खाऊंगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, आजकल तुम्हारे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ दिन तक उन्हें आराम चाहिए, अगर वो मच्छी पकड़ने जाएंगे तो उनकी सेहत और खराब होगी। अगर तुम्हें मच्छी खाने का इतना ही दिल है तो तुम खुद जाकर मच्छी पकड़ कर ले आओ। माँ के मुँह से यह बात सुन सदक बहुत हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा, क्या अब मुझे मच्छी पकड़ने जाना होगा? ठीक है, तो ये सब्जी खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? सदक को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए उसने मन को मनाकर सब्जी खा ली। लेकिन कुछ ही दिनों में वह रोज रोज सब्जी खाकर उकता चुका था। क्या बात है बेटा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। माँ, क्या मैं आज मछली पकड़ने जाऊँ? सच? क्या तुम मछली पकड़ने जाना चाहते हो? हाँ माँ। तो एक बात कहूँ बेटा? कहो माँ। अपने लिए मछली पकड़ने जा रहे हो, लेकिन कुछ ज्यादा मछलियाँ पकड़ना, जिससे हम बाजार में भी बेच सके। हाँ माँ, मैं जरूर ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे ही अपने पिताजी का काम में हाथ बटाना है। और दोनों की बात सुन सदक के पिताजी बहुत खुश हुए, क्योंकि जो वह बात समझाना चाहते थे उनका बेटा अब समझ चुका था। कंजूस कुमार। कुमार नाम का एक सेठ था। सेठ अपनी कंजूसी के लिए बहुत मशहूर था। एक दिन सेठ की पत्नी बोली, आपकी कंजूसी की आदत तो बढ़ती ही जा रही है, कितने दिन हुए एक अच्छा फल तक नहीं खाया, इतना पैसा भला किस काम का कि जो चाहो वो खा भी ना पाओ। अरे अरे बस करो, कितने ताने मारोगी, आज ही लेता आऊंगा, अब चलता हूँ। सेठ काम के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे एक सेब बेचने वाला मिला। अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? सेठ जी, 100 रुपए किलो हैं। अरे के पागल हो गए हो, 100 रुपए किलो? सेठ हूँ इसलिए लूटना चाहते हो? नहीं सेठ जी, यह भाव तो सबके लिए है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सब समझ रहा हूँ, 50 रुपए किलो देने हैं तो बोलो, नहीं तो मैं चला। सेठ जी माफ कीजिए, मेरा सेब महंगा है, मैं नहीं दे सकता। अच्छा अच्छा, जाओ मैं किसी और से ले लूंगा। सेठ आगे चला जाता है। लूट मची है, पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं? तभी सेठ को एक और सेब वाला दिखा। सेब ले लो, सेब मीठे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। 50 रुपए? अरे भाई ठीक ठीक लगाओ, ये दाम तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूँ, बोलो दोगे? अरे सेठ जी नहीं, इस दाम में तो मुझे भी नहीं मिले हैं, मेरा खुद का बाग थोड़ी है, अगर होता तो शायद तुम्हें दे देता। अरे जाओ जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। आगे जाकर सेठ की नजर एक सेब से लदे पेड़ पर गई। सेठ झटपट पेड़ पर चढ़ गया। अरे वाह,
जब मुफ्त के सेब मिल गए तो खरीदने क्यों? और बिना सोचे समझे सेठ पेड़ से लगातार सेब तोड़ता रहा। तभी पास में बच्चे गुलेल से सेब पर निशाना लगा रहे थे और एक बच्चे की गुलेल से निशाना सीधा सेठ की आंख पर लगा और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंख भी फूट गई और कमर भी टूट गई। हाय 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 हाय, क्या हो गया? तभी आसपास खड़े लोगों ने सेठ को उठाया और उसके घर लेकर गए। अरे अरे, यह क्या, इतनी चोट कैसे लगी आपको? हे भगवान, मैंने तो केवल आपसे कुछ फल मंगाए थे। कंजूसी की भी हद होती है, अपने हाथ पैर तुड़वा लिए, इतने महंगे तो कोई फल भी ना होंगे। तुम ठीक कहती हो, आज से मैं इतनी कंजूसी नहीं करूँगा। मछुआरा और भूत। एक दिन सुंदर नाम का एक मछुआरा रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे गया और जाल डालकर एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कुछ जाल में फंसा है। अरे, ये जाल में क्या फंस गया? मछुआरे ने देखा कि जाल में एक सुंदर सी डिबिया है। उसने डिबिया को निकाला, उसे खोलकर देखने लगा। अचानक आवाज आई, हुक्म करो मेरे आका। सुंदर हैरान हो गया, तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, आपका सेवक। हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। लेकिन याद रहे, काम खत्म होते ही मुझे दूसरा काम चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगे। ये क्या किया मैंने, मैं कहाँ फंस गया? जल्दी बोलो, क्या करना है? मछलियाँ पकड़ो और मेरे टोकरे में डालकर घर चलो। भूत ने वैसा ही किया, मछलियाँ पकड़ी और मछुआरे को लेकर घर पहुँच गया। अब क्या करना है, जल्दी बोलो। भूल गए, भूत बन जाओगे मेरी तरह। हाँ हाँ, जल्दी से एक अच्छा सा घर बना दो। जो हुक्म मेरे आका। जब तक भूत ने घर बनाया, सुंदर की पत्नी आ पहुँची। अरे, क्या हुआ, ये भूत यहाँ? सुंदर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तभी भूत आ गया। लीजिए मेरे आका, आपका नया घर तैयार है, अब क्या करना है, जल्दी बताइए जल्दी। पत्नी ने भूत से कहा, हमें भोजन, जेवर और बहुत से घोड़े चाहिए। भूत ने कुछ ही पलों में सारा काम कर दिया। अब क्या हुक्म है मेरे आका? इतने में रात हो गई और फिर सुंदर की पत्नी ने कहा, रात भर आप तारे गिनो और उसके बाद हमारे कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी है उसे सीधा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। भूत ने तारे गिनने शुरू किए और परेशान हो गया। कुत्ते की पूंछ भी सीधी करनी चाहिए पर ना कर सका। अरे, 1003, 1004, 1005, नहीं 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 नहीं, ओहो, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ये काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। अगली सुबह तक सुंदर और उसकी पत्नी ने मिलकर एक योजना बनाई। यह क्या, तुमने अभी तक तारे नहीं गिने और कुत्ते की पूंछ भी सीधी नहीं कर पाए? मुझे तो यह कोई ढोंगी लगता है। नहीं, मैं सच में भूत हूँ, बहुत खतरनाक हूँ। क्या आपको याद नहीं, मैं इस डिब्बी में कैद था। तुम और इस छोटी सी डिब्बी में कैद? आपको यकीन नहीं होता, ये देखो। भूत ने जैसे ही डिब्बी में प्रवेश किया, सुंदर ने उसे बंद कर दिया और जाकर नदी में बहा दिया। जादुई घड़ा। एक दिन एक घड़ा बेचने वाला सपनपुर गांव में आया। उसका नाम भीमा था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े, घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। भीमा बड़ी मेहनत से घड़े बनाता। उसके घड़ों पर रंग बिरंगी चित्रकारी भी होती थी। लेकिन इस गांव में काफी देर घूमने के बाद भी भीमा का एक भी घड़ा नहीं बिका। भीमा परेशान होने लगा, अरे यह क्या, सारा दिन बीत गया लेकिन एक भी घड़ा नहीं बिका, अब तो घर लौटने का वक्त हो चला है।
भीमा अपने गांव की ओर लौट गया। रास्ते में उसे प्यास लगी। बहुत प्यास लग रही है, यहाँ तो कोई नदी और तालाब भी नहीं है, चलो आगे चल के देखता हूँ। भीमा को थोड़ी ही दूर चलने पर एक कुआं दिखा। अरे मिल गया पानी का स्रोत, चलो पानी पी लेता हूँ। भीमा कुएं के पास पहुँचा तो देखा कुएं में रस्सी तो है पर बाल्टी नहीं है, इसीलिए उसने अपने घड़ा रस्सी से बांधा, पानी निकाला और पी लिया। पानी पीकर भीमा ने घड़ा वहीं छोड़ दिया। यह घड़ा यहीं छोड़ देता हूँ, गांव वालों के भी काम आएगा। अगले दिन भीमा फिर गांव में घड़े बेचने आया। घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। उसकी आवाज सुन सभी लोग घरों से बाहर आ गए और उसके घड़े तुरंत ही बिक गए। भीमा हैरान था। जब भीमा खुशी खुशी घर लौटने लगा तब एक महिला बोली, लो भाई प्रसाद लो। किस बात का प्रसाद है बहन? आप नहीं जानते, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसी कारण सब बहुत परेशान थे। हम सब गांव वालों ने कुएं की पूजा भी की थी, और जानते हो सुबह एक जादुई घड़ा कुएं में मिला। कोई नहीं जानता कि वो वहां कैसे आया, मगर ये सच है, उस घड़े के आने से कुआं पानी से भर गया है। पंडित जी ने बताया कि ये जादुई घड़ा एक सच्चे मन के यात्री ने रखा है। हम सब ने उस यात्री की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना और पूजा की है, ये उसी का प्रसाद है। अब भीमा समझ चुका था कि यह और कुछ नहीं उसके द्वारा सच्चे मन से रखे घड़े की ही करामात है। प्लीज सब्सक्राइब।